अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मेजबान सैयद निहाज शाह हाशमी। आप देख रहे हो वन एंटरटेनमेंट। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो भाई आज आप लोग की फरमाइश में मैं एक और क्वेश्चन ले आया हूं, वो क्या चीज है जिसमें पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से आगे रहेगा? पाकिस्तान अमेरिका से? इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेशन में लाजमी दें। ये जवाब पूछ रहा है किसके पास जवाब ही नहीं होता। दूसरा, अभी आवाम के बीच जाते हैं और सवाल पूछ के आते हैं जुगाड़ में। मेरे को पता नहीं है भाई। चोरी में, करप्शन, झूठ, क्या चीज होगा? एटम बम का भागा तो कोई चीज आगे नजर नहीं आ रहा है। कर्जा लेना छोड़ दे, अमेरिका से आगे चला जाएगा भाई। कर्जे में अपन पाकिस्तान अपने तरक्की में आगे, बहुत तरक्की कर रहा है। कंट्रोल पाकिस्तान को, वो तो एटम है। एटम बम अमेरिका के पास उससे ज्यादा है? नहीं, इससे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का अच्छा है। कंट्रोल कंट्रोल पाकिस्तान का अच्छा है। तुमने ट्राई करा था, चेक करा था? चेक करा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आइटम वो इसराइल तक पहुंच सकते हैं। इसराइल तक पहुंच सकता है? तो अमेरिका तक पहुंच जाएगा ना आराम से? नहीं पहुंच सकते। अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्यों? दूर है हमारा, बहुत दूर है। तो पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से आगे रहेगा आइटम बम में? इमरान खान अभी जिंदा है, जब तक इमरान खान है पाकिस्तान आगे रहेगा। जिस दिन इमरान खान चला जाएगा पाकिस्तान की पुंगी हो जाएगी। अभी तो इमरान खान नहीं है। तो अभी भी जिंदा तो है ना? जिंदा है बस। बस उसकी सांसें हमारे दिल में है। अरे वाह, क्या मोहब्बत है। हमारी तो उसके लिए जान। एटम बम में पाकिस्तान अमेरिका से आगे? अमेरिका और आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है इंशाल्लाह। अमेरिका के पास एटम बम नहीं है? एटम बम होता तो हमारा जज्बा ज्यादा है ना। मुसलमान का तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता ना, तो एटम बम भी ठंडा हो जाता है। तो पाकिस्तान हमेशा किसमें आगे रहेगा? एटम बम से भी आगे रहेगा। एक इमरान खान भी दे सकता है। अभी इमरान खान होता ना तो अभी मिसाइल उधर ही गिरते हैं, क्या नाम है, इसराइल के ऊपर। ये लोग कोई सही नहीं है। अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे ये नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो उसको, मैं तो कह रहा हूँ उसको फौरन दोबारा जेल में डालो। अभी इस तक अरे क्या हो गया, नवाज शरीफ नाम सुनकर बाइक गिर गई। सब गिर जाएगा, तुम भी गिर जाएगा। खत्म। जुगाड़ ही लगाते हैं। जुगाड़ लगाता है? हाँ ना, जुगाड़। क्या जुगाड़ करता है? क्या अभी तक क्या जुगाड़ किया पाकिस्तान ने? यार देखो, अभी कुछ बंदा तो उसी का जुगाड़ में हो जाता है। जो चीज़ पूरी दुनिया में नहीं चलती वो पाकिस्तान में चल जाती। पता नहीं यार, मैं तो किसी चीज़ में आगे नहीं। किसी चीज़ में सबसे पीछे हूँ मैं इस वक्त। चलो, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ साहिल है, लेकिन अगर ये चोर नहीं हो। चोर नहीं हो? कौन चोर है? सब चोर है इधर। इमरान खान बस अच्छा आदमी यार है, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रहे हो। प्यार है, मोहब्बत है यार, मोहब्बत इश्क करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तंग है हुकूमत से भाई, महंगाई से हम लोग तंग। दोबारा से इमरान खान को आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है भाई, लेकिन उसने अपने पाकिस्तान को जो है ना न्यू पाकिस्तान में रहने की कोशिश करी और रुपया मुस्तहकम रखा उसने और मुल्कों से ताल्लुक बनाए। ये लोग तो आकर दोबारा से चाह रहे IMF से नए मुजाकरे करें, नए मुआहदे करें, महंगाई को मजीद उरूज पर लेकर जाए। मुसलमानों वाला हमारा ईमान है, समझ गया। हमारा ईमान जो है वो सारी दुनिया से आगे। अच्छा, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, बात सोच से करना पड़ता है भाई। हर काम पे हाथ डालना सोचना है पहले। अमेरिका भी वो सोचते हैं और हमें भी चाहिए कि हम सोचे वो काम आगे बढ़े। पाकिस्तान किसमें आगे? पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर लिया। क्या किया मसलन? ये आप भी आज़ाद घूम रहे, हम भी आज़ाद घूम रहे, ये पाकिस्तान ने किया। इसलिए आदमी आगे कारोबार की हैसियत से। अरे कहना क्या चाहते हो? लोगों के बिजनेस कारोबार चल रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं कारोबार। लाखों कमा रहे हैं लोग? लाखों भी कमा रहे। आप कितना कमा रहे? हम 5,000 भी कमा रहे हैं। तो अच्छी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है पाकिस्तान, बहुत तरक्की कर रहा है। हमसे चल रहे हैं, हम मेहनत करेंगे तो ये आगे चलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह, तरक्की में अमेरिका से आगे इंशाल्लाह। अगर अमेरिका पाकिस्तान से कर्ज मांगे तो पाकिस्तान आराम से दे सकता है? पाकिस्तान दे सकते हैं? हाँ नहीं, अमेरिका अगर कर्ज मांगे पाकिस्तान से तो पाकिस्तान आराम से दे सकता है। इंशाल्लाह देगा पैसे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पाकिस्तान के पास सब कुछ है अगर पाकिस्तान अपने आप को पहचाने, समझ गया। इसने अगर अपने आप को पहचाना 3-4 सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा। इसमें इतने खजाने हैं, अगर वो निकाले अपने मर्जी से, समझ गया। कोई इसके ऊपर दबाव मबाव नहीं होना, जैसा अभी वो पहले कुछ टाइम पहले गैस निकला था ग्वादर में, समंदर में, बंद कर दिया बर्तानिया ने, बोलते ये नहीं निकालो। भाई तुम्हारा क्या काम है? हमारा मुल्क है, हमारा अपना गैस है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नहीं आया तो लाजमी करें। बहुत तेज हो रहा है। तो भाई आज के सवाल का जो जवाब था, पाकिस्तान अमेरिका से हमेशा इसलिए आगे रहेगा क्योंकि पाकिस्तान 10 घंटा हमेशा से अमेरिका से आगे। तो अमेरिका चाहते हुए भी पाकिस्तान को 10 घंटा पीछे नहीं कर सकता, ये जवाब था।
तो अपने मेजबान सैयद नियाज़ शाह को दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।